हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोएब। आज हम लोग देखेंगे एक माइक का अनबॉक्सिंग, बोया MM1 का। तो ये हमारा पहला माइक का अनबॉक्सिंग है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। और यहाँ पे अमेज़ॉन की तरफ से जो बॉक्स है, इसमें कोई भी पॉलीथीन का यूज़ नहीं किया गया है, ये सबसे बड़ी बात है। तो हम लोग इसे खोल देंगे सबसे पहले, और मुझे लगता है कि मैं पीछे की तरफ से खोल रहा हूँ इसे। और देखिए, हाँ, इसे मैंने पीछे की तरफ से खोल लिया है। और यहाँ पे देख लीजिए, कोई भी बबल रैप नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, बॉक्स बिल्कुल सही है। ये बिल है, और ये देखिए, कोई भी रैप नहीं है, बबल रैप नहीं है। तो हम लोग इस माइक को देखेंगे पहले। तो इसमें सबसे बुरी बात मुझे ये लगा, माइक पे कोई सील नहीं था, वो सिर्फ ये कागज़ से ही लगा हुआ था। और ओपन करते ही आपके सामने शॉटगन माइक आ जाएगा। मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन बहुत ही छोटा सा ही है। और ये एक क्लैंप है, और दो जैक है, और एक पाउच है छोटा सा, लेकिन सब कुछ आ जाएगा सामान इसमें। और इस पाउच की क्वालिटी अच्छी है। और यहाँ पे जो इसे हम लोग निकाल लेंगे, और देखिए कुछ ऐसा दिखता है हमारा माइक अंदर से। और ये थोड़ा स्पॉन्ज क्या बोलते हैं ऊपर का, इसे मुझे नहीं मालूम। और ये कनेक्टर है, पीसी से कनेक्ट हो जाएगा ये, और ये मोबाइल से कनेक्ट होगा। टोटल हमें 5 चीज़ें मिली है, ये 5। तो इसे साइड में करते हुए सबसे पहले देख लीजिए इसका वो ऊपर का क्या बोलते हैं, ये मुझे नहीं मालूम, आप लोग कमेंट में ज़रूर बता देना। और ये जो है हमारा माइक, हम लोगों ने क्लैंप कर दिया उसके क्लैंप पे, और ये जैक है। यहाँ पे 3 पिन वाला जो जैक है वो माइक के अंदर जाएगा, और यहाँ पे जो 4 पिन वाला जैक है ये हमारे फ़ोन टैबलेट इसके अंदर जाएगा। और ये जो 3 पिन वाला जैक है, ये 2 साइड ही 3 पिन है, 1 3 पिन वाला हमारा माइक के अंदर जाएगा, और दूसरा वाला हमारे DSLR या फिर PC में जाएगा। तो ये जो ऑडियो आप लोग सुन रहे हैं, इस माइक से रिकॉर्ड हो रहा था, और अब जो ऑडियो सुनेंगे ये फ़ोन पे रिकॉर्ड होगा। ये जो ऑडियो है ये फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है, और अब तक आप लोग डिफरेंस समझ ही चुके होंगे। तो कमेंट में ज़रूर बता देना किसका ऑडियो ज़्यादा अच्छा था।